इसके साथ ना बेसिकली मैं आपको जो वीडियो दिखाने लगी हूँ ना वो जस्ट टू शो के कैसे मतलब एक्सपेंशन होती है लिक्विड्स में और सॉलिड के ऑब्जेक्ट में कितना डिफरेंस आता है किस तरह से, वो हम देख लेते हैं। ठीक है, पार्टिकल्स भी इनके वाइब्रेट करते हैं लेकिन वाइब्रेशन की एबिलिटी डिफरेंट होती है। जैसे ये देखें आप हीट कर रहे हैं ना तो इसके पार्टिकल्स लिक्विड के पार्टिकल्स देखेंगे टिक ही नहीं रहे, इनको एनर्जी मिल गई है ना। जैसे आपके क्लास में कुछ बच्चे होते हैं जिनको थोड़ी सी एनर्जी मिल जाए ना तो वो टिकते नहीं है, लेकिन कुछ अच्छे बच्चे भी होते हैं जो कि असल में बैठे होते हैं लेकिन कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, वो तो वो सॉलिड्स के पार्टिकल्स हैं। सॉलिड्स के पार्टिकल जो हैं इनकी वाइब्रेशन जो है काफ़ी हद तक मतलब आप कह रहे हो थोड़ी कम है वाइब्रेशन, इस वजह से इनकी एक्सपेंशन भी क्या होगी कम, लेकिन लिक्विड्स के पार्टिकल्स जो हैं दे आर रैंडमली मतलब रैंडमली वाइब्रेट कर रहे हैं, एम्पलीट्यूड काफ़ी ज़्यादा है, इस वजह से हम कहते हैं इसमें एक्सपेंशन भी क्या होती है ज़्यादा। तो इसी वजह से आपसे क्वेश्चन अगर इनके पूछा जाता है एक्सपेंशन किस में ज़्यादा होती है लिक्विड में या सॉलिड में, आप बता सकते हैं। आल्सो बेटा आप ये भी बता सकते हैं कि क्यों ज़्यादा होती है क्यों कम होती है, क्योंकि इनकी एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन क्या है कम है, पार्टिकल जो है काफ़ी क्लोजली पैक्ड है। तो ये सारी चीज़ें थी आपकी थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड्स के बारे में। कल इंशाल्लाह हम लोग ना इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ठीक है।